गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनय गौड़ और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था उसका एक जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 1.1, इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन कहता है कि जीरो जो नंबर है अपना वो क्या एक रेशनल नंबर है, और यदि है तो इसको क्या अपन जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है पी अपॉन क्यू की, पी अपॉन क्यू के रूप में इसको डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या नहीं है इंटीजर और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इस फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? जीरो यदि रेशनल नंबर है तो अपन इस जीरो को इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो अपन ने लिख दिया सॉल्यूशन का, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो इज राइट एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेहर पी एंड क्यू इज बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइक दिस, देखिए आप जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन, किसी भी नंबर्स के नीचे अपन वन लगा दें तो उसके उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने यहाँ पे पी अपॉन क्यू के रूप में इसको शो कर दिया है, ठीक है, जहाँ पे पी क्या है न्यूमरेटर है जीरो और क्यू क्या है डिनोमिनेटर, और क्यू किसके इक्वल है वन के इक्वल, तो वन यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है और जीरो और वन दोनों ही क्या है इंटीजर है, तो अपन ने इसकी दोनों कंडीशन इसकी शो कर दी है, फुलफिल कर दी है, तो अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू है अपना, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, तो थ्री एंड फोर के बीच में अपन को कोई नंबर चाहिए सिक्स टाइप के जो क्या हो रेशनल हो, तो इसका क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है इसका, इसका इसके तरह के इसके दो मेथड होते हैं अपने पास, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है अपना कि जो भी अपन को नंबर दिए रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, जो भी नंबर दे रखे हैं अपन को उनका एडिशन करके उसमें टू का डिवाइड कर देंगे अपन, तो अपन को क्या मिल जाएंगे उसके बीच के ही कुछ नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे थ्री एंड फोर प्लस किया अपन ने, अब डिवाइड बाय टू किया तो सेवन अपॉन टू फाइंड आउट हुआ, तो थ्री और फोर के जस्ट मिडिल में एक नंबर होगा अपना यहाँ पे, वो क्या है सेवन अपॉन टू है, ठीक है। ऐसे ही अपन थ्री और सेवन अपॉन टू के बीच में कोई नंबर देखें तो अभी थ्री और फोर के बीच में तो ऑब्वियसली आएगा ही सही, ठीक है। ऐसे ही सेवन बाय टू और फोर के बीच में भी अपन कुछ नंबर देख सकते हैं, जो नंबर आया वो पंद्रह अपॉन फोर आया यहाँ पे, सेवन अपॉन टू और फोर के बीच में पंद्रह अपॉन फोर नंबर आया अपना, ठीक है। इनको सॉल्यूशन करने का आप जानते हैं, फ्रैक्शन जैसे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन को एडिशन करते हैं, तो उसी तरीके से करते हैं अपन, क्या करते हैं इसमें थ्री प्लस सेवन अपॉन टू अपॉन टू, कैसे किया अपन ने टू एलसीएम लिया सेवन अपॉन टू और थ्री के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मानते हैं इसको वन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वन और टू का एलसीएम लेते हैं अपन, तो वन और टू का एलसीएम क्या आया टू, और टू लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करते हैं टू में, कितनी बार टू टाइम्स, तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स और टू का टू में डिवाइड वन बार, और वन को सेवन से मल्टीप्लाई किया सेवन, तो सिक्स प्लस सेवन अपॉन टू, और ये टू क्या जाता है ये तेरह अपॉन टू हुआ यहाँ पे, तो अब जो ये टू है तेरह अपॉन टू में टू का डिवाइड देना अपन को, तो वह क्या फाइंड आउट हुआ अपन को तेरह अपॉन फोर, ठीक है, थर्टीन अपॉन फोर अपन को फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे। इसी तरीके से अपन ये 13 अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन टू, 13 अपॉन फोर एंड सेवन अपॉन टू के बीच में कोई नंबर देखना है अपन को, तो वो कैसे करेंगे ए और बी को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसमें टू का डिवाइड कर देंगे, तो देखिए अपन ने फोर और टू का एलसीएम क्या आया फोर, फोर का डिवाइड इसमें फोर में वन टाइम्स और वन को थर्टीन से इंटू किया थर्टीन प्लस टू का डिवाइड बाय टू का डिवाइड फोर में टू टाइम्स और टू को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से तो क्या आ जाएगा फोर्टीन, ठीक है, एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर हुआ, ठीक है, उसमें डिवाइड करना है टू का, तो ट्वेंटी सेवन अपॉन एट यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन ने इस तरीके से ये पूरी छः की छः वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसका सेकेंड ईजी मेथड क्या है, जैसे अपन ने सेवन या एट हो जाती है नाइन हो जाती तो अपन ऐसे ये जो मेथड है अपना वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो अपन सेकंड मेथड देखेंगे यहाँ पे, इजी मेथड देखेंगे, वो क्या कहता है कि वी हैव टू फाइंड सिक्स रेशनल मेथड, सिक्स रेशनल नंबर
सो वी मल्टीपल बोथ नंबर विथ सेवन एंड डिवाइड बाय सेवन. क्या करना है, थ्री एंड फोर के बीच में अपन को सिक्स नंबर्स चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जो नंबर्स है अपने उनको सेवन से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीपल भी कर देंगे. तो मैंने यहाँ पे किया थ्री इंटू सेवन अपॉन सेवन, क्योंकि कोई सा भी नंबर हुआ अपना उसमें सेवन से किसी भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करें उसको और डिवाइड भी कर दें तो उसके सॉल्यूशन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो थ्री इंटू सेवन अपॉन सेवन क्या हुआ, सेवन से सेवन कट जाएगा, इसकी वैल्यू एज इट इज थ्री ही बनी रहेगी. ऐसे ही फोर इंटू सेवन अपॉन सेवन कर दिया अपन ने, तो सेवन से सेवन कट जाएगा और फोर वैसा का वैसा ही रहेगा. तो अपन ने सेवन लिख दिया, सेवन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे. अब कितना आया, 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन. ठीक है, 3 इंटू सेवन 21, 4 इंटू सेवन 28, 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन. सेवन में डिवाइड करेंगे अपन 21 का, 21 में डिवाइड करेंगे सेवन का, तो अब अपन को वही वैल्यू थ्री वैल्यू थ्री ही फाइंड आउट हो रहा है. और यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो रहा है 4. ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इन दोनों के बीच में ही अपन को क्या करनी है, सिक्स रेशनल नंबर अपन को फाइंड आउट करना है. तो अपन ने क्या किया, 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन, 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन के बीच में आप केवल न्यूमरेटर में एक एक नंबर बढ़ाते जाइए और डिनोमिनेटर सेम रखते जाइए, तो आपको सिक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे. जैसे 21 के बाद 22 अपॉन सेवन, 23 अपॉन सेवन, 24 अपॉन सेवन, 25 अपॉन सेवन, 26 अपॉन सेवन, 27 अपॉन सेवन. तो ये वन नंबर, ये टू नंबर, ये थ्री, ये फोर, फाइव और ये सिक्स, सिक्स नंबर अपन को इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे. ये इजी मेथड है और ये थोड़ा लॉन्गेस्ट मेथड है अपना. अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन. क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, इसमें फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव. ठीक है, यहां पे कितने करने हैं अपन को, फाइव, और यहां पे कितने करने थे अपन को, सिक्स. तो सिक्स से करने थे तो सेवन से मल्टीपल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. यहां पे करने हैं फाइव, तो फाइव करने हैं तो किसने, सिक्स से मल्टीपल अपन यहां पे कर देंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. तो थ्री अपॉन फाइव इंटू सिक्स अपॉन सिक्स और फोर अपॉन फाइव इंटू सिक्स अपॉन सिक्स. ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू सिक्स 18 और 5 इंटू सिक्स 30, 4 इंटू सिक्स 24 और 5 इंटू सिक्स 30. ठीक है, अब 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिनोमिनेटर अपन को सेम रखना है और न्यूमरेटर बढ़ाते हुए चलना है. तो 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, ये कितनी वैल्यू हुई अपनी, फाइव रेशनल वैल्यू हो गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो ये फाइव रेशनल नंबर है अपने पास. ठीक है, का किस किस के बीच में, थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव के मिड में. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है अपन को और उसका एक रीजन देना है. तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. तो यहाँ पे देखिए आप, अपन ने देख रखी है नंबर लाइन पे शो कर रखे हैं इनको, ये नंबर लाइन है अपनी जिसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वन टू थ्री फोर. ठीक है, बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे आती नहीं है, इसमें कंसिडर नहीं होती. होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर इसमें सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं. इंटीजर क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के साथ जीरो भी एड हो जाता है. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कौन सी, जो इंटीजर हो, जो मतलब पॉइंट में नहीं हो, वही इंटीजर फॉर्म यहाँ पे होगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन, क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो क्या है होल नंबर हैं, सभी होल नेचुरल नंबर क्या है, वन. तो वन होल में है क्या, यहाँ पे होल नंबर में है क्या अपने पास, हाँ है. टू है, थ्री है और ये सारे नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर में अपने पास है. तो ये क्या होगा, सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका रीजन अपन दे सकते हैं कि ये दोनों अपन को बता देने हैं वहां पे, रीजन में ये दोनों अपन लिख सकते हैं कि वन इज बिलोंग्स टू नेचुरल एंड होल नंबर, टू इज बिलोंग टू नेचुरल एंड होल नंबर एंड लाइक दिस. ठीक है,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? अब यहाँ पे मैं इंटीजर की बात करूँ तो माइन जीरो जो है वो होल नंबर है, हाँ है। माइनस वन, माइनस वन इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। माइनस वन इंटीजर की में तो आता है लेकिन होल नंबर में दिख रहा है कि आपको नेगेटिव नंबर यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा, तो ये अपना क्रॉस हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह से तीनों बना के आप रीजन ले सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है अपने पास? रेशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, वेयर पी एंड क्यू इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात करूं मैं, क्या वन बाई टू होल नंबर है? क्या वन बाई टू होल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वन बाई टू रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में केवल जीरो वन टू थ्री फोर नंबर ही आते हैं, वन और जीरो और वन के बीच में जो हाफ है वो नहीं आता है। तो ये इसी तरह के आप उनको रीजन देने हैं यहाँ पे और सेटिस्फाई करना है एग्जामिनर को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।